स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारे सीरीज में हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर पीएचपी के फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेटर का करते हुए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आइए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पब्लिशर को ऐड करने और डिलीट करने की फंक्शनलिटी बनाई थी। आज हम पब्लिशर को अपडेट करने की फंक्शनलिटी बनाएंगे। हम इसके पहले भी ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं ऑथर को ऐड करने के लिए, तो हम उसी कोड को वापस रीयूज करेंगे उन्हीं कोड को कॉपी पेस्ट करते हुए। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें ऑथर को ऐड करना बताया गया है एंड डिलीट अपडेट करना बताया गया है, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक देखकर उसे देख सकते हैं। तो आइए हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम पब्लिशर को ऐड और डिलीट करवा चुके हैं, अब हम अपडेट करने के लिए कोड करेंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना एडिट ओपन करता हूँ। तो मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड प्लस प्लस। फिर ये हमारा है एड ऑथर वाला, देन ये हमारा एड पब्लिशर वाला पेज है जहाँ पर ये हमारा अपडेट का कोड हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आते हैं हम। तो मैं डिलीट वाले जो हमारा कोड था उसमें से लाइन को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। देन पेस्ट, यहाँ पर हम देखेंगे अपडेट पब, इसका नाम दे देते हैं ये टी अपडेट पब्लिशर। देन मैं इस नाम को कॉपी करता हूँ यहाँ से। देन हम हमारे होम नाम के कंट्रोलर पर जाएंगे और यहाँ पर मैं इसको एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन अपडेट पब। देन यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ से हम आईडी रिसीव करते हैं, आईडी हम पैरामीटर में दे रहे हैं यहाँ से, जिस तरह से हमने डिलीट में दी थी। देन यहाँ पर हम इसको कर देते हैं डॉलर आईडी। अगर आपने आईडी किस तरह से हम पैरामीटर में देते हैं और रिसीव करते हैं, अगर आपने ये आपको यह नहीं जानते तो आप इसी ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग के वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको कोऑर्डिनेटर का बेसिक बताया गया है। तो हम इसे यहाँ पर रीलोड करेंगे पेज को। देन मैं यहाँ से अपडेट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए हमें यहाँ आईडी मिल गई है इसकी। तो अब हमें इससे रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हमने ऊपर जो पहले कोड करा था हम वही कोड को कॉपी करेंगे। तो अपडेट ऑथर में इसी कोड को एज इट इज कॉपी करूंगा। देन इसे यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। देन आर एस, देन ये लिखेंगे हम पब्लिश्ड। देन यहाँ पर हम आईडी के थ्रू से एक्सेस करते हैं। देन यहाँ पर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन सेकेंड में हम इस तरह से पूरी वाली हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन इसके बाद हम चेक करते हैं, हमने जो हमारा स्टार्टिंग हमने जब पब्लिशर को ऐड किया था, पहली बार जब पब्लिशर वाला पेज ओपन किया था तो उस पर किस पैरामीटर दिया था हमने, आर एस के थ्रू से हो जाया था। तो ठीक है, हम इसे आर एस के थ्रू देंगे यहाँ पर अगले पेज पर। तो जो हमारा टोटल डेटा आ रहा है, जो हमारा पब्लिश का जो डेटा है उसे हम आर एस के अंदर देते हैं। देन आर एस वन में हमारा जो नया डेटा है वो रहेगा। तो हम यहाँ पर इसका ओपन कर लेते हैं। तो एट पब्लिशर, देन सेव, देन से रिलोड करते हैं पेज को। तो हमारा पेज आ चुका है, लेकिन अब हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है। अभी हमारा ऐड का ही सेक्शन आ रहा है लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो अपडेट चल रहा है, तो हमें यहाँ पर अपडेट का कोड लिखना है। तो इसके लिए हम आते हैं, तो हम चलते हैं हमारे ऐड पब्लिशर पर, और जहाँ पर वो ऐड वाला सेक्शन है हमारा, हम उसे ऐड सेक्शन में जाएंगे। लेकिन हमारा ये वाला सेक्शन है जिसमें हमने फॉर्म बनाया, तो ये डीयू के अंदर ये वाला हमारा फॉर्म है। तो इस फॉर्म पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देन यहाँ पर हम करते हैं पीएचपी, यहाँ लिखते हैं इफ जो हमारा सेट, जो हमारा डॉलर आर ई एस वन है, अगर वो इस सेट होता है तो हमारा ये वाला ब्लॉक चले, अदरवाइज हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर मैं इसे एको करा देता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ से इसे एको। देन अगर अदरवाइज हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा तो हम यहाँ लिख देते हैं एल्स। देन यहाँ पर आके इसे, देन यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देंगे। देन यहाँ पर लिख देता हूँ पी एच पी ब्रैकेट्स। तो ये हमारा यहाँ लिखा होगा एको, ये हमारा हो चुका है। तो हमारा इफ ब्लॉक में हमारा ये वाला ब्लॉक है, इसके अंदर हमारी इफ कंडीशन चलेगी, देन अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा
ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इसे कॉपी करूंगा यहाँ से इस ब्लॉक के इस कोड को, यहाँ तक जो हमारा कोड है फॉर्म क्लोज तक का, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, देन इसे यहाँ पर पेस्ट करते हैं हमारे देन यहाँ पर इसे पेस्ट किया यहाँ पर अपडेट वन हम एक फंक्शन बनाएंगे देन यहाँ पर अपडेट पब्लिशर नेम देन यहाँ पर हम देते हैं इसकी एक वैल्यू तो यहाँ लिखते हैं वैल्यू देन वैल्यू इस तरह से हम सेट करेंगे देन हम देते हैं डॉलर आर एस वन के अंदर जीरो इंडेक्स पर डेटा हो जो भी डेटा है उसमें से नेम को रिसीव करो तो यहाँ पर हम दे देते हैं नेम तो ये हम यहाँ से नेम को पिक कर लेंगे सेमी कॉलर देन सेव और यहाँ से हमने फॉर्म का एक्सचेंज कर दिया देन हमारा ये जो बना है ये हमारा इफ ब्लॉक है देन ये हमारा एल्स ब्लॉक है इसके बाद और यहाँ पर हमारा फॉर्म क्लोज हो रहा है तो हम इसका चेक करते हैं आउटपुट का हमारा आउटपुट से आ रहा है कि इधर कुछ तो हम जब चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आ रहा है। अगर मैं आपको नॉर्मल इसका डेमो बताता हूँ तो हम एट पब्लिशर पे जैसे ही मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसका नाम आ चुका है। आपको मैं और इसमें डेटा ऐड करके बताता हूँ हम करते हैं ये देखिए इस तरह मैंने यहाँ से ऐड किया तो ये जो का है मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए लेकिन देखिए गलती हो रही है। देखिए हमने इसे मल्टीपल करा तो हमें समझ में आया कि हमारी कुछ गलती हो रही है तो आइए हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पर वही आरिस ऑन करना था आरिस की जगह तो रिफ्रेश करते हैं ये चल रहा फाइव पर ये देन इसको पे क्लिक करने पर ये आ रहा है देन इस पर क्लिक करने पर ये आ रहा है तो हमारा कोड अब वर्क कर रहा है। तो इसके बाद हमें यहाँ पर इसका जो टाइटल है वो चेंज करना होगा ध्यान देना होगा अपडेट देन यहाँ पर भी हम देंगे अपडेट जो एड है वहाँ दे देंगे अपडेट देन सेव करते हैं पेज को रिलोड करते हैं तो देखिए अपडेट हो चुका है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो फंक्शन चाहिए तो फंक्शन के पहले हमें गलती हो चुकी है हमसे तो नहीं हमें सही है ठीक है अपडेट बन ही दिया हमने सेव करते हैं इसे देन हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक फंक्शन बनाते हैं तो हम यहाँ आएंगे और यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ लिखते हैं पब्लिक फंक्शन देन यहाँ पर सेव करते हैं यहाँ पर लिखते हैं डॉलर डेटा इज इक्वल टू डॉलर दिस इनपुट पोस्ट सेमी कॉलर और यहाँ पर देते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर डेटा सेमी कॉलर सेव और यहाँ पर हमें एक और चीज करना है हम यहाँ पर एक हिडन फील्ड क्रिएट करेंगे इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर मैं एक हिडन फील्ड बना लेता हूँ यहाँ पर बनाता हूँ इनपुट टाइप हिडन देन नेम जो होगा इसका होगा इसका आईडी देन जो इसकी वैल्यू जो होगी इसकी वो होगी इसकी डॉलर आर एस वन के अंदर से के जीरो इंडेक्स पर जो आईडी है उसे यूजफुल लगे सेव देन इसे हम रिलोड करेंगे रिलोड देन जैसे मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो हमें कुछ पैरामीटर मिलते हैं पहले पर हमें आईडी मिलती है देन ये और हमें सबको रिमूव करना है देन आईडी को मैं एक वेरिएबल के अंदर लेना है तो हम चलते हैं हमारे कंट्रोलर पर तो यहाँ पर मैं सिर्फ पैरामीटर आता हूँ डॉलर आईडी इक्वल टू डॉलर दिस इनपुट पोस्ट देन इसके अंदर रिसीव करेंगे आईडी देन इसी से हम लिखेंगे कि जो डॉलर डेटा है यानी इसके लिए हम लिखेंगे अनसेट जो हमारा डॉलर डेटा है उसके अंदर जो आईडी इंडेक्स है तो उसे रिमूव कर दो देन एक और है इसके अंदर जो सब इंडेक्स है उसे रिमूव कर दो तो ये हमारा हो चुका है। देन इसके बाद हम अपडेट पेज चलाएंगे तो हम यहाँ लिखते हैं डॉलर दिस माय मॉडल हमारे कंट्रोलर का नाम देन उसके अंदर लिखते हैं डेटाबेस ऑपरेशन तो इसमें उसके लिए हम देते हैं टेबल का नाम तो हम लिखते हैं ऑथर लिस्ट नहीं हमें पब्लिशर कंप्लीट किया था हम लिखेंगे पब्लिशर लिस्ट देन मोड देंगे हम इसको
अपडेट, देन इसके बाद हम देते हैं डॉलर डेटा जो हमारा डेटा है, देन उसके बाद हम देते हैं अरे और हम आईडी दे देते हैं जो मैं आईडी इसके थ्रू वर्क क्रॉस चलाना है हमारा, देन डॉलर आईडी देन सेमी कॉलन। ये चेक करेंगे हम इफ डॉलर आर एस, अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमारा ये ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक हमारा एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम कोड को कॉपी करते हैं, पहले तो कॉपी करते हैं यहाँ पेस्ट करेंगे, देन यहाँ पर से पेस्ट किया, देन से ऐसे भी यहाँ पर भी हम पेस्ट करते हैं, देन से हम यहाँ से रिमूव करेंगे, देन हम होम से रेट पब्लिश से रिडायरेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर हम सेट कर देंगे अपडेट, देन एमएसजी के अंदर हम अपडेट सेट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा कोड कंप्लीट होता है, देन हम चलते हैं हमारे पब्लिशर पर, तो हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। तो हमने अपडेट का यहाँ पर शायद वैलिडेशन नहीं है, नीचे भी चेक कर लेते हैं अपडेट के लिए तो नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे else if जो डॉलर एमएसजी है तो इक्वल टू इसको शुरू होकर अपडेट के, तो यहाँ पर एक हो पब्लिशर अपडेटेड सक्सेसफुल देन सेमी कॉलन, अदरवाइज यहाँ पर आते हैं और हम लिख देते हैं एल्स और हटा देते हैं यहाँ से, देन सेव और यहाँ से कैसे रिलोड करेंगे कंटिन्यू। तो एरर रही है लाइन नंबर 170 पर होम डॉट पी एच पी पर, तो हम चेक करेंगे कि क्या गलती करी हमने 170 पर, ये इस जगह पर हमने गलती करी यहाँ पर, सेव लेन पेज को हम रिलोड करते हैं। तो ये रहा पब्लिशर अपडेट सक्सेसफुली, हम एक बार यहाँ क्लिक करेंगे, देन हम इसे करते हैं F1, देन क्लिक करते हैं, ये देखिए पब्लिशर अपडेटेड सक्सेसफुली, देन F1 का मैसेज आया, देन अगर हम डिलीट करते हैं तो पब्लिशर डिलीट सक्सेसफुली, देन अपडेट करते हैं, हम कुछ और अगर लिखना चाहते हैं देन अपडेट करते हैं, तो ये हमारा पब्लिशर अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से हम इसे अपडेट कर सकते हैं, तो ये हमारा पब्लिशर को भी अपडेट करने का सेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हम अब हमें हमारी ट्यूटोरियल में जो हमारा बुक एड करने का सेशन है इसके अंदर हमें वर्क करना है। तो सबसे पहले तो हमें हमारी जो टेबल में हमने यहाँ पर जो ऑथर ऐड किए हैं बुक ऐड करने के लिए, ऑथर जो है और पब्लिशर की जो लिस्ट है, हमें हमारी इस फॉर्म में जो दो फील्ड है इनमें सेट करना होगी। तो सबसे पहले हम ये वर्क करेंगे, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम हमारे इस टेक्स्ट को चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ पर भी गलती है, तो आइए हम चलते हैं हमारे कंट्रोलर पर, देन हमारे व्यू का नाम है, हमारे व्यू का नाम एड बुक, हम ओपन करेंगे हमारे कंट्रोलर को एड बुक। तो मैं चलता हूँ व्यू में, व्यू को हम ओपन करते हैं, एड बुक नाम का हमारा जो व्यू है हम उसे ओपन करते हैं, ये और यहाँ पर कर देते हैं एड बुक, देन हम चलते हैं हमारे कंट्रोलर में और एक सिलेक्ट करी दो सिलेक्ट करी हम फायर करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर हम दे देते हैं डॉलर author list is equal to dollar this my model के अंदर हम देते हैं यहाँ पर डेटाबेस ऑपरेशन, इसके लिए हम यूज करेंगे हमारा सिलेक्ट डेटा, लेते हैं सिलेक्ट सिलेक्ट डेटा, देन हम सबसे लेते हैं हमारे टेबल का नाम, हम देंगे author list, देन सेकेंड हम देते हैं फील्ड, तो सभी फील्ड को सिलेक्ट कर लो, देन सेमी कॉलम, देन इसे मैं कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पर हम देते हैं पब लिस्ट, यहाँ देता हूँ मैं पब लिस्ट, तो ये हमारा पब्लिशर को सिलेक्ट करेगा, देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पब लिस्ट, देन इसके बाद हम इन्हें एक अरे में स्टोर करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक अरे बनाता हूँ डॉलर डेटा नाम से और इसके अंदर देते हैं ऑथर लिस्ट के अंदर हम देते हैं डॉलर ऑथर लिस्ट, देन सेमी कॉलम, देन से मैं कॉपी करता हूँ पेस्ट, देन यहाँ लिखेंगे पब लिस्ट और यहाँ पर देंगे पब
लिस्ट देन सेव, देन यहाँ पर हम देते हैं कॉमा डॉलर डेटा, देन सेव करते हैं। और अब हमें हमारे इसमें डेटा मिल चुका है हमारे इन दोनों के अंदर, ऑथर लिस्ट और पब्लिश्ड में, तो हम यहाँ पर इसे डिस्प्ले कराएंगे। तो इसके लिए हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ईच, और यहाँ लिख देते हैं हम डॉलर ऑथर लिस्ट एस ATH और ऑथर, हम इस तरह से लिखेंगे यहाँ, और इस तरह ब्लॉक क्रिएट करते हैं, देन हम यहाँ से इधर क्लोज करेंगे, देन यहाँ पर दे इस तरह से, देन यहाँ से हटा देते हैं हम, इस तरह से हम इसे रिमूव करते हैं, देन यहाँ पर हम देते हैं इस तरह से डॉलर ऑथर, ऑथर के अंदर हमें देना है यहाँ पर उसका जो भी नेम आ रहा है वो हम पर डिस्प्ले करा देंगे। तो हम इससे सेमी कोलन, इस तरह से हम आते हैं, इसी ब्लॉक को हम कॉपी करेंगे, देन यहाँ पर दे देंगे पब लिस्ट एस, पब दे देंगे हम, और यहाँ पर भी हम देते हैं पब, और उसका हम आउटपुट एक बार चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो जब रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर पब्लिशर की लिस्ट, देन ये ऑथर की लिस्ट। हम अगर यहाँ से अब कितने भी हम ऑथर एड करें, हम यहाँ से और ऑथर तो हमारे पास दो है, हम पब्लिश एड करते हैं, तो चलते हैं पब्लिशर में और पब्लिशर को इस तरह से एड कर देंगे, तो ये पब्लिशर एड हो चुका है। देन अगर हम बुक के सेक्शन में जाके चेक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर पब्लिशर आ चुका है, तो इस तरह से आ चुका है। अब देखो हमें यहाँ पर बुक का नाम और प्राइस देकर उसे सबमिट करना है, तो अब हम इसके लिए इंसर्ट के लिए फायर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे एक फॉर्म टैग में कवर करेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखते हैं फॉर्म अंडरस्कोर ओपन, देन यहाँ लिख देते हैं हम होम स्लैश एड बुक वन, दे देंगे से हम और देन सेव इस तरह से, देन हम यहाँ पर आके इस फॉर्म को क्लोज करेंगे, देन यहाँ पर लिख देंगे फॉर्म अंडरस्कोर क्लोज देन सेमी कॉलन, तो ये हो चुका है। देन उसके बाद हम आते हैं, तो हम एड बुक वन नाम की एक मेथड क्रिएट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक लिखते हैं यहाँ पर फंक्शन एड बुक वन, देन यहाँ पर हम लिखते हैं डॉलर डेटा इज इक्वल टू डॉलर दिस इनपुट कॉस्ट, देन यहाँ सेमी कॉलम, और यहाँ पर हम देते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर डेटा देन सेमी कॉलम, और इसे हम चेक करते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पर मैं देता हूँ नाम सी प्लस प्लस, देन प्राइस 50। जैसे हम एड पर क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म नहीं चला, क्योंकि हमें यहाँ पर बटन का जो टाइप है वो सबमिट करना होगा, तो हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पर नाम सबमिट देन सेव, देन इसे यहाँ से हम रीलोड करेंगे, देन हम यहाँ से हम देते हैं सी प्लस प्लस देन 255। देन जैसे हम एड पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ऑथर का यहाँ पर हमें चेंज करना होगा थोड़ा सा, तो हमारे पास बुक का नाम आ चुका है, पब्लिशर का नाम आ चुका है, देन किन नाम पूरे नहीं आए तो हम चेक करते हैं यहाँ से, तो हम चलते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर हमने देखा ए नाम, हमारे दोनों वेरिएबल का नाम एक ही है, तो हमने सोचा बी नेम, तो ये पब्लिशर का नेम देन वो ऑथर का नेम है, देन सब रिलोड करते हैं वापस से, देन ठीक है, देन हम यहाँ से कर देते हैं सी प्लस प्लस देन 55 देन सबमिट, तो हमारे पास ऑथर का नाम आ चुका है, देन पब्लिशर देन बुक का नेम देन प्राइस। तो हमें इसे एड बुक नाम के कीवर्ड को रिमूव करना है, पहला काम हमारा ये होगा। देन तो हम चलते हैं हमारे कंट्रोलर में, देन यहाँ लिखते हैं अनसेट जो हमारा डॉलर डेटा है उसमें से अनसेट हमें करना है ये वाला कीवर्ड, तो हमें यहाँ से अनसेट करते हैं। देन इसके बाद हम एक इंसर्ट के चलेंगे, तो हमें डॉलर आर इज इक्वल टू डॉलर दिस हमारे मॉडल का नाम, तो हम लिखते हैं माय मॉडल, उसके अंदर हमारी मेथड है डेटाबेस ऑपरेशन देन सेमीकोलन, तो हम यहाँ पर लिखते हैं
अगर आपने डेटाबेस ऑपरेशन जो हमारा फंक्शन है, देन हमारा माय मॉडल क्या है, अगर आपने ये नहीं देखा तो आप मेरे पहले के वीडियो देख सकते हैं, इसी प्ले इसी सीरीज में प्रोजेक्ट सीरीज में, तो आपको पता चल जाएगी कि दोनों चीज क्या है, तो मैंने इसे एक्सप्लेन क्या हुआ है। तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे टेबल का नाम, तो हम यहाँ लिखते हैं बुक अंडरस्कोर लिस्ट नाम की टेबल हम क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं मोड, तो हम देते हैं मोड अपडेट, नहीं हमारा मोड है इंसर्ट, तो हम लिखते हैं इंसर्ट। देन यहाँ पर हम देते हैं डॉलर डेटा, देन यहाँ कंडीशन आएंगे इफ, अगर हमारा डॉलर आ रही है कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, तो यहाँ पर एको कर दो जीरो, नहीं हम करते हैं वन, अभी हम तो कुछ और करेंगे, अभी तो हम इसी लिख रहे हैं डेमो के लिए, एल्स यहाँ पर कर दो एको जीरो सेमी कॉलम। देन हम इस नाम की एक टेबल क्रिएट करते हैं, तो चलते हैं हमारे डेटाबेस पर, तो हमारे डेटाबेस पर आते हैं और एक नई टेबल क्रिएट करेंगे, नया पेस्ट, देन यहाँ पर से लेते हो आईडी, देन ए नेम पी नेम नेम, तो हम ले लेते हैं ए नेम पी नेम देन नेम, देन उसके बाद है हमारी अगली फील्ड प्राइस, तो मैं देते हैं प्राइस प्राइस, देन यहाँ से इसे टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे टैग, देन यहाँ से इसे देन सेव, तो हम यहाँ पर टेबल क्रिएट हो चुकी है। देन इसके बाद हम इसे एक बार रीलोड करते हैं, देन कंटिन्यू, तो देखिए हमारा वन आ चुका है, और अगर हम टेबल में जाके चेक करें तो हमारा डेटा आ चुका है, जो हमने डेटा भी इंसर्ट किया है, देखिए हम पर डेटा आ चुका है, तो ये हमारा वन आ चुका है, लेकिन हमें वन और टू प्रिंट नहीं करना है, हमें यहाँ पर एक कोड लिखना है, तो हम लिखेंगे डॉलर दिस सेशन सेट फ्लैश डेटा, देन इसके अंदर हम देखिए एम एस जी कॉमा इंसर्ट, जिन्हें अपन कर देंगे रिडायरेक्ट कर दो इसे, जो हमारा एट बुक नाम का जो फंक्शन है सेमी कॉलम, अदरवाइज यहाँ पर भी कर दो रिडायरेक्ट कर दो एट बुक नाम के फंक्शन पर दें सेमी कॉलम। जिन चलते हम यहाँ पर, और हमने यहाँ पर एक फील्ड रखी होगी जहाँ पर हम इसे मैसेज प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पर मेरी कोई फील्ड ऐसी है नहीं जहाँ पर हमने मैसेज फील्ड का नगर रखा हो, तो हम यहाँ पर एक टी डी क्रिएट करेंगे बटन के पास ही, तो यहाँ पर एक हम टी डी बना लेते हैं, टू कर देंगे इसे हम, और टी डी इसको कर देते हैं कॉल स्पैन टू कर देते हैं, तो लेआउट में आ जाएगा, देन लिखते हैं पी एच पी स्क्रिप्ट, देन यहाँ पर हम पी एच पी, देन यहाँ पर हम एक मेरे वेरिएबल बनाएंगे डॉलर एन एस जी इक्वल टू डॉलर दिस सेशन प्लस डेटा, देन सेमी कॉलम, देन यहाँ फिल्टर नाम एन एस जी, देन यहाँ पर हम इसे एक बार आके चेक करते हैं हमारा कोड वर्क कर रहा है नहीं, सेव करेंगे रिलोड, तो यहाँ पर एरर आ चुकी है। देन हम यहाँ से आते हैं जावा देते हैं यहाँ पर नाम जावा, देन 300, देन एड पर इसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एरर आ चुकी है, क्यों एरर आ रही है, हमने यहाँ पर होम नहीं लिखा था, तो हम यहाँ चलते हैं, देन यहाँ लिखते हैं होम, लिखते हैं होम स्लैश, इसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे होम स्लैश, देन सेव करते हैं और इस पेज को रिलोड करेंगे, देन यहाँ पर दे देते हैं डॉट नेट, देन करते हैं इसे 200, नेट जैसे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह आ रहा है, देखिए यहाँ पर हमारा फ्लैश आ रहा है इंसर्ट, तो हमें इंसर्ट की जगह पर हम चाहते हैं, अगर चाहे तो हम यहाँ मैसेज दे सकते हैं डायरेक्ट, हमने पहले कंडीशन लगाई थी लेकिन अब हम डायरेक्ट मैसेज देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम कि बुक एडिट
सक्सेसफुल डन सेव और रिलोड करते हैं कि हमारा हट चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्यों करके बंद करके मैं पेस्ट करता हूँ बुक एडिट सक्सेसफुल, हमारे पास मैसेज आ चुका है। तो हमारे पास बुक एड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो चुका है बुक एड करने का। तो हमने ऑथर को एड कराया, पब्लिशर को एड करा चुके हैं, देन बुक को भी हम एड करा चुके हैं। अब हमारा अगला काम होगा सारी बुक को डिस्प्ले कराना। तो फ्रेंड्स अभी के इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में सारी बुकों को यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, देन यहाँ पर हम मेंबर का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, देन मेंबर्स को डिस्प्ले कराएंगे। तो आने वाली वीडियो में हम ये काम करेंगे। तो अभी किस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी रिजल्ट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप इस प्रोजेक्ट के सोर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं या इसके अलावा मेरे इस चैनल पर जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके अगर आप सोर्स को चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट projectworld.ca पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसके सोर्स कोड प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।